नमस्कार सलाम सत श्री अकाल दिस इज विवेक ओबेरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल करने के मकसद से चुनावी मैदान में उतर गई हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव 3 चरणों में होने हैं। अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगी ने नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की महापौर प्रत्याशियों के साथ ही 110 वार्डों के सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में राजधानी के राजाजीपुरम में जनता को संबोधित किया। अपनी सभा में योगी ने कहा कि जनता का उत्साह देखकर मैं भी उत्साहित हूं। जनता के ऐतिहासिक मतों से ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, जिसके लिए योगी ने लोगों का धन्यवाद किया। योगी ने कहा कि यूपी में सरकार अपने 8 महीने पूरे कर चुकी है और इन 8 महीनों में प्रदेश के लोगों ने परिवर्तन देखा होगा। योगी ने कहा कि प्रदेश में अवैध बूचड़ खानों पर पाबंदी हो या फिर अवैध खनन पर पाबंदी, सरकार ने इन पर लगाम लगाने के लिए सख्ती से काम किया है। योगी ने कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में जो अपराध का माहौल बना हुआ था, सरकार ने उस पर लगाम लगाने में भी कामयाबी पाई है। पूरे प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़ खाने बंद हुए, अवैध खनन बंद हुआ, अवैध वनों की कटान बंद हुई और सत्ता के संरक्षण में पिछले 15 वर्षों में फल फूल रहा भू माफिया के अवैध जमीनों पर कब्जे की कार्रवाई को भी एक सिरे से बंद करते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पहला संदेश इसके माध्यम से दिया था। आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में बीजेपी के कई दिग्गज पार्टी के प्रचार के लिए मैदान में हैं, क्योंकि केंद्र के साथ साथ सूबे में भी बीजेपी सत्ता में है। अब ऐसे में अगर निकाय चुनावों में पार्टी को कोई हानि होती है तो उसका असर आने वाले लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। लिहाजा पार्टी अपनी साख बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।